लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज टेन बी दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर थ्री इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने मेरे लास्ट टू क्वेश्चन देखे हुए इस एक्सरसाइज के तो मैंने चार रेशो को इक्वल करना बताया था राइट right? दो मेथड बताए थे सेकेंड क्वेश्चन में तो आप उन्हीं दो मेथड में से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं जो जॉन सा भी आपको इजी लगे और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं फिफ्टी फाइव इज टू इलेवन फर्स्ट पार्ट इज फिफ्टी फाइव इज टू इलेवन इज इक्वल्स टू एक्स इज टू सिक्स तो कैसे करते थे हम इसको ए इसको बी इसको सी और इसको डी मान लेते हैं राइट तो मैं सेकेंड मेथड दोनों एक एक पार्ट में करके दिखाऊंगी दोनों मेथड से आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं राइट तो हमने सेकेंड पार्ट सेकेंड मेथड से कर रही करी ए अपॉन बी को सी अपॉन डी के इक्वल मानते थे तो ए की वैल्यू रख दी फिफ्टी फाइव बी की वैल्यू रख दी इलेवन सी की वैल्यू रख दी एक्स और डी की वैल्यू रख दी सिक्स अब जब भी इस फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन तो हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है x की मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ और 55 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ तो क्या आ गई x की मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ इक्वल्स टू 55 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ हमें पता है क्योंकि हम इक्वेशन करके आए हुए हैं कि हम वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू सारी दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं तो X तो अपनी तरफ रखा अब 11 कांस्टेंट था यहां मल्टीप्लाई में था तो दूसरी जस्ट जा साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा तो 55 फाइव इंटू सिक्स अपॉन इलेवन आप चाहें तो इसको यहीं भी कट कर सकते थे उसके बाद ये वाला स्टेप कर सकते थे कैसे भी कर सकते हैं तो अब देखिए इलेवन वन जिले इलेवन फाइव x की वैल्यू कितनी आ गई फाइव इन टू सिक्स कितना आ गया इज इज आंसर अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट तरीके से करेंगे सेकेंड पार्ट है ट्वेंटी सेवन इज टू एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री इज टू सेकेंड पार्ट इज ट्वेंटी सेवन इंस टू एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री इज टू एर तो अब देखिए इसको ए मान लिया इसको बी इसको सी और इसको डी मान लिया अब हमें पता है नंबर्स कब प्रोपोर्शनेट होते थे जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होते थे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के इक्वल होते थे मिडिल टर्म के इक्वल होते थे राइट right? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता था ए इंटू डी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होता था बी इंटू सी अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं ट्वेंटी सेवन इंटू एट्टी फोर डी की वैल्यू एटी फोर यहां से लिख रही हूं ये देखिए बी की वैल्यू है एक्स और सी की वैल्यू है सिक्सटी थ्री अब वेरिएबल अपनी जगह रहा कांस्टेंट दूसरी साइड पहुँच जाएगा तो ये आ गया ट्वेंटी सेवन इंटू एटी फोर अपॉन सिक्सटी थ्री इक्वल्स टू एक्स अब इसको कैंसिल कर देते हैं कैसे करेंगे देखिए थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन थ्री टू जो सिक्स थ्री वन जर थ्री अब सेवन थ्री ज़र ट्वेंटी वन सेवन वन जर सेवन सेवन टू ज फोर्टीन थ्री वन जर थ्री 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 ज़र नाइन तो x कितना आ गया 12 इन टू थ्री दैट इज एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई दैट दर्टी सिक्स इज द आंसर ये था दूसरा मेथड आप कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं आंसर सेम ही आएगा लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट इज 51 वन इज टू एटी फाइव इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन इज टू एक्स थर्ड पार्ट है फिफ्टी वन इज टू एट्टी फाइव इज इक्वल्स टू फिफ्टी सेवन इज टू एक्स तो कैसे करेंगे देखिए फिर से ए बी सी और डी मान लेते हैं अब हमें पता है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी के इक्वल होता है तो फिफ्टी वन अपॉन एट्टी फाइव इज ईक्वल्स टू फिफ्टी सेवन अपॉन एक्स हो गया अब हम क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे इसका मतलब 51 में तो x की मल्टीप्लाई हो गई और 57 में 85 की मल्टीप्लाई हो गई अब x तो अपनी जगह रहा 57 सेवन इन भी अपनी जगह रहा क्योंकि 51 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर आके डिवाइड का हो गया अब देखिए 17 थ्री ज फी एंड सेवनटीन फाइव जी फाइव ना थ्री वन जी थ्री वन जी थ्री नाइन जवेंटी सेवन तो x की वैल्यू कितनी आ गई नाइनटीन इन टू तो x आ गया हमारा नाइन्टी फाइव नाइनटीन फाइव इज नाइन्टी फाइव इज द आंसर डू लास्ट पार्ट इज एक्स टू नाइंटी टू इक्वल टू एट्टी सेवन इज टू वन वन सिक्स फोर्थ पार्ट इज एक्स टू नाइन्टी टू इज इक्वल टू एट्टी सेवन इज टू वन वन सिक्स तो देखिए ये ए मान लिया ये बी मान लिया ये सी मान लिया और ये डी मान लिया अब हमें पता है प्रोडक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होता था प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के मिडिल टर्म के इक्वल होता था तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता था ए डी और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म क्या होता था बी सी तो ए कितना है एक्स और डी कितना है 116 और बी कितना है 92 और सी कितना है 87 अब वेरिएबल अपनी जगह रहा कांस्टेंट दूसरी साइड चला जाएगा तो 92 और 87 तो अपनी जगह रहे 116 डिवाइड में आ गया अब कैसे करेंगे देखिए टू फोर ज़ा एट टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू फाइव ज़ा टेन टू एट ज़ा सिक्सटीन अगेन टू से टू टू ज फोर टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू जो फोर एंड टू नाइन ज़ा एटीन अब देखते हैं आगे ट्वेंटी नाइन थ्री ज़ा करके देखते हैं कितना आता है ट्वेंटी नाइन थ्री ज़ा थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट सेवन आएगी इसलिए मैं डायरेक्टली थ्री से कर रही हूँ तो ट्वेंटी सेवन टू थ्री इक्स सेवन एट एट्टी सेवन आ गया तो ट्वेंटी नाइन थ्री इजा इज एटी सेवन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री दैट इज़ एक्स की वैल्यू आ गई थ्री थ्री इज़ा नाइन थ्री टू ज़ा सिक्स सिक्सटी नाइन इज द आंसर